हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव वॉक पर। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। मेरी लास्ट इतनी वीडियोस देखने के बाद मेरे पास एक व्यूअर का सवाल आया कि ये जो भी ऑप्शंस हैं इनको यूज करके हम इंस्टाग्राम का मोशन पोस्टर कैसे बना सकते हैं, और अगर किसी इंटरव्यू में इंस्टाग्राम का मोशन पोस्टर का टेस्ट दे दिया जाए तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा, और मुझे लगा कि जो भी लोग इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इसका इंटरव्यू भी देंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल आएगा, आपको उसको देखना कैसे है और फिर क्या बनाना है। स्टडी आपके लिए बना दी है छोटी सी। इस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बनाएंगे। तो देखिए, केस स्टडी क्या कहती है कि क्रिएट अ मोशन इंस्टाग्राम पोस्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ सुपर इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑन आफ्टर इफेक्ट ऑन 25th February 2020, 7 PM to 8 PM। प्लीज शो यू माई क्रिएटिव बॉब लोगो एंड नेम। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या आया है, इट शुड बी इंटरेक्टिव, कूल, ट्रेंडी, एंगेजिंग एंड एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, इस तरह का जब टेस्ट आएगा आपके पास तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोशन इंस्टाग्राम पोस्ट जो है उसका साइज क्या लेना होता है। तो देखिए, फिर बिना वक्त गवाए मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या साइज होता है इंस्टाग्राम इमेज साइज का, इंस्टाग्राम मोशन पोस्टर का क्या साइज होता है। तो देखिए, ये कुछ साइज निकल के यहाँ पे आ गए हैं कि इंस्टाग्राम में आप किस किस रेशो में अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो हमें कौन सा बनाना है, हमें बनाना है ये वाला इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट वीडियो, क्योंकि हमें ये वाला, अगर हम पोस्ट भी करेंगे, अगर हमने कोई पोस्ट देखा होगा आज तक, तो वो ऐसे ही होते हैं 4:5 रेशो के। इसका साइज देख लेते हैं, इसका साइज है 1080x1350 पिक्सल। तो ठीक है, हम खोलते हैं इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में मैंने ऑलरेडी सेम हाइटरविथ की, आप देखिए एक डॉक्यूमेंट ले रखा है जिसकी विथ जो है 1080 है और हाइट 1350 पिक्सल है। ठीक है, तो अब ये देखिए, हम इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से कोई टेक्स्ट आता है तो हमें सबसे पहले उसमें से क्या निकालने हैं, हमें उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज करके उसकी कोई बॉडी बनानी है कि हम ऑन स्क्रीन टेक्स्ट क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, इसकी कुछ बॉडी तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एक तो सबसे पहले, उसके बाद देखिए हम डेट ले लेते हैं। तो एक तो ये मेरा बॉडी टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये जो लाइन मैंने इतने रफ तरीके से दी है, इसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ। ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ये हो गया। और हमको एक चाहिए होगा, वो हमारा होगा लोगो, तो हम जो है इसमें लिख लेते हैं लोगो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपको छोटी एक लैंग्वेज समझ में आ गई कि हमने किस लैंग्वेज में सब कुछ लिखा है। अब देखिए, जब आपको ये थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरीके से इसको विजुलाइज करना चाहते हैं। तो इसको विजुलाइज करने के लिए सीधा हम चलते हैं इलस्ट्रेटर पर।
और मैं मान लेता हूं कि कैसे होगा। तो देखिए, मैं एक लेता हूं ब्रश टूल कि यहां तो मेरा लोगो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां कहीं टेक्स्ट आ जाएगा, वन लाइनर यहाँ कहीं सेंटर में आ जाएगा। और अप्लाई अप्लाई करने के लिए अगर कुछ होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बटन भी आ जाएगा, ठीक है। अब दिखाना क्या चाहता हूँ, बीच में हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, आफ्टर इफेक्ट दिखता कैसे, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट ऐसा है, ऊपर एक पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैनल है, एक पैनल यहाँ, यहाँ कुछ पैनल और नीचे एक बड़ा पैनल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा पैनल ही वहां बना दे। अब देखिए और समझिए कि क्या बना रहा हूं मैं।
है दोस्तों, अब ये मुझे काफी हद तक अच्छा लग रहा है, जैसे मैं चाह रहा था। मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। और हो सकता है कि आप लोगों में से भी अभी किसी को ये ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि अगर आपको इसमें कुछ और, क्योंकि अभी तो ये मैं बना रहा हूँ, जब आप खुद बनाएंगे ना तो आप इसे और अच्छा बनाने की कोशिश कर लेना, इसे और अच्छा बना लेना। तो मेरी तरफ से ये लगभग बन गया। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये एनिमेट करके दिखाऊं। हम इसको अगली वीडियो में एनिमेट करेंगे और लेयरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा डिजाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा, और आप लोग अगली वीडियो पे जरूर क्लिक करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस पूरे डिजाइन की लेयरिंग करनी है। क्योंकि लेयरिंग करेंगे तो उसके बाद ही हम आफ्टर इफेक्ट में इस डिजाइन को लेके जा पाएंगे, और उसके बाद ही हम उसको एनिमेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।